का इलाज करेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं का हाल आज के 5 साल बाद क्या रहेगा, क्या वो पढ़ाई करके निकलेंगे? एक सेंटर से 8 बच्चे जो है वो निकलते हैं, इनको सांस बंद होता है, वाली बात। दूसरी बात रहेगी कि सरकार को इतनी क्या जल्दीबाजी थी कि 14 जून का रिजल्ट आपने 4 जून को घोषित किया, आपने 10 दिन आपने पहले ही रिजल्ट घोषित कर दिया। कहीं ना कहीं साजिश ये दिखती है कि आप जो है जो 14 का रिजल्ट आने वाला था आपने उसको 4 किया है, उसके पीछे संशय था कि लोकसभा चुनाव के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर, मैं सुधाकर सिंह जंतर मंतर पर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं आज यहां यूथ कांग्रेस का धरना प्रदर्शन है। पूरे देश से यूथ कांग्रेस के नेतागण अलग अलग राज्यों से पहुंचे हैं और यहां अलग अलग राज्यों के यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लोगों को संबोधित कर रहे हैं। आज मैं आपको बता दूं, ये प्रदर्शन नीट की जो परीक्षा थी, जो पेपर लीक था, उसको लेकर के आज ये धरना प्रदर्शन किया गया है यूथ कांग्रेस के द्वारा। आज संसद घेराव के लिए ये हल्ला बोल है। हम बातचीत करते हैं, हमारे साथ कांग्रेस के तमाम लोग मौजूद हैं, हम बातचीत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आज यहाँ आए हैं, इसके क्या परिणाम होंगे, क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? जी, हमारा नाम देवन तिवारी है, प्रदेश प्रवक्ता है, उत्तर प्रदेश से आए हैं। उत्तर प्रदेश से आए हैं। इस बार नीट का पेपर लीक हुआ है, तमाम विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि पेपर फिर से कराया जाए, रीचेक कराया जाए, फिर से पेपर हो, लेकिन सरकार मान नहीं रही है, क्या रास्ता होगा? देखिए, नीट के पेपर के मुद्दे पे हम ये कहना चाहते हैं कि जिस एजेंसी, जिस परीक्षा में जो डॉक्टर लड़के बन करके चुन करके जाएंगे, वो क्या लोगों का इलाज करेंगे? स्वास्थ्य सेवाओं का हाल आज के 5 साल बाद क्या रहेगा, क्या वो पढ़ाई करके निकलेंगे? एक सेंटर से 8 बच्चे जो है वो निकलते हैं, इनको 720 मार्क मिलता है, पहली बात। दूसरी बात रहेगी कि सरकार को इतनी क्या जल्दीबाजी थी कि 14 जून का रिजल्ट आपने 4 जून को घोषित किया, आपने 10 दिन आपने पहले ही आपने रिजल्ट घोषित कर दिया। कहीं ना कहीं साजिश ये दिखती है कि आप जो है जो 14 का रिजल्ट आने वाला था आपने उसको 4 किया है, उसके पीछे संशय था कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ आप जो है जो व्यवस्था है, जो उनकी नीतियाँ हैं, आपने उसको प्रदर्शित कर दिया कि वो रिजल्ट उसमें छुप गया, वो छुप नहीं पाया। हमारी सरकार ने, विपक्षी सरकार ने बहुत पहले कहा था कि नीट की आप जांच कराएं, पहली बात। दूसरी बात ये रहेगी कि नीट के मुद्दे पर सरकार को अपनी विश्वसनीयता दिखानी चाहिए कि आप जब सीबीआई ने केस दर्ज कर दिया, जो भी पेपर है लीक हुआ, पेपर लीक का सुधार कौन आया? गोधरा से आया। गोधरा और के बाद अभी आप देखे होंगे एनडीए के मंत्री, राजभर मंत्री, उनका नाम आ रहा है, यहाँ तक कि आरोप लगाया जा रहा है तेजस्वी यादव पे और तमाम लोगों पे। अगर आप इतने आरोप लगाने के लिए, तो इसने आप निराधार आरोप क्यों लगाते हैं? आपको बताना चाहिए जनता को, अगर आप तेजस्वी के पीए ने अगर ये कदम उठाया है तो आपको अरेस्ट करना चाहिए, या तो आप कहो नहीं, आप कहते हो तो आपको गिरफ्तार करो। आपके पास एविडेंसेस तो कोई पड़े नहीं है कि तेजस्वी यादव ने ऐसा उनके पीए ने किया हुआ है। बात होगी गोधरा की, उत्तर प्रदेश में पुलिस का पेपर लीक हुआ था, आपने उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं किया। अभी आपने देखा होगा कि यूपी में एक नया अधिसूचना जारी किया गया योगी सरकार ने कि हम जो है 1 करोड़ जो उस पर पैसा लगेगा उनको देने के लिए और आजीवन उनको कारावास रहेगा। अरे वो व्यक्ति का पकड़ाएगा तब तो आप आजीवन कारावास करोगे। जो भी व्यक्ति पकड़ाते हैं सारे भारतीय जनता पार्टी के पकड़ाते हैं, गोधरा से पकड़ाते हैं, गुजरात से पेपर लीक होता है, यूपी में पेपर लीक होता है, तमाम मुद्दे पर आरओ एआरओ यूपीपी जो भी मुद्दे हैं, नीट जैसे मुद्दे पे, हर नेट के मुद्दे पे सारा पेपर आप ही के लीक होता है, आप ही के जनतंत्र में लीक होता है। आपने 70 साल में इतने पेपर लीक नहीं हुए जितना आप लोगों ने 10 साल में पूरे पेपर को पूरा लीक कर दिया है। लीक नहीं, आपने लीकेज पूरा व्यवस्था कर दिया है। और यहाँ तक कि आपको बता दूं जानकारी के तौर पे कि IIT ऐसी संस्था में 36% लड़के बेरोजगार हैं, प्लेसमेंट नहीं पा रहा है। आप भी दिखाती है, मानसिकता दिखाती है जनता के प्रति, आप युवाओं के प्रति जो है आप रोज वो सोच नहीं रखते हैं, कोई दिखाना नहीं चाहते हैं, करना चाहिए, नौकरी आपने खत्म कर दिया। आप मुद्दे आपसे फिर बात करेंगे, आप इधर आइए, आप मुझे ये बताइए कि नेट का पेपर फिर से कराने की बात हो रही है, सरकार है कह रही है कि नेट का पेपर लीक कराने में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, प्रियंका गांधी, इन सब का हाथ है, तो आपको नहीं लगता कि इस पूरे मसले पर राजनीति हो रही है जो नहीं होनी चाहिए? शासन सत्ता में कौन है आप खुद बताइए, किसके नेतृत्व में देश चल रहा है आप बताइए? NDA की सरकार है, सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी है, पेपर को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी उसकी है, पेपर ना को ये जिम्मेदारी उसकी है। तो इसमें राहुल जी और प्रियंका जी को आप दोषी क्यों करें? क्योंकि आपकी निकम्मी सरकार है, आप नकारा साबित हो रहे हैं, तो आप अपना दोष किसी और पे दे रहे हैं। नौजवान सब समझते हैं, थोड़ा सा नौजवानों ने हुकार पारा है तो आज लोकसभा में स्थिति ये है। और धीरे धीरे आप चिंता ना करिए, अभी होने वाले
चार पांच प्रदेश के चुनाव में नौजवानों ने उनको सबक सिखाने का काम किया। आप कहाँ से आए हैं? मैं उत्तर प्रदेश बागी बलिया से आया हूँ। बागी बलिया से आए हैं। मुझे एक बात बताएं, इस बार महागठबंधन की स्थिति सुधरी है इंडिया गठबंधन की उत्तर प्रदेश में, लगता है कि इस बार लोकसभा में आप लोग दबाव बना पाएंगे किसी मुद्दे पर? देखिए, खुद आप देखिए, हर जगह देखिए, अभी स्पीकर वाले चुनाव में विपक्ष ने एकजुटता के साथ खड़ा रहा और हर मुद्दे पे अब दमदारी से इंडिया गठबंधन के सभी साथियों के साथ राहुल गांधी के नेतृत्व में देश के गरीब नौजवान किसान महिलाओं की आवाज को हम करके खड़े करेंगे। ठीक है, आप अपना नाम बताएं और कहां से आए हैं ये बताएं। मेरा नाम देवांग तिवारी है, मैं स्टेट मीडिया चेयरमैन हूं जी। मैं गोंडा जिले से आया हूं, यूपी का। यूपी गोंडा से आए हैं जी। एक बात बताइए, रीमीट के लिए आप लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि फिर से परीक्षा हो जाए, सरकार मान नहीं रही है, क्या लगता है कि इस धरना प्रदर्शन और इस संसद घेराव का कोई असर होगा? बिल्कुल पूरा असर होगा, सरकार के ऊपर पूरा दबाव हम लोग मिलकर बना रहे हैं और हम लोगों की पूरी कोशिश है कि सरकार फिर से दोबारा से नीट का पेपर कराए। सरकार एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी का काम कर रही है, एक तो खुद पेपर लीक कराती है। इसके जानने वाले इनके सरकार में बैठे लोग, इनके सरकार के अफसरशाही जो लोग हैं, वो लोग मिलकर पेपर की धांधली करते हैं और उसके बाद इल्जाम विपक्ष पर लगाने का काम करते हैं। तो ये निकम्मी सरकार, ये चाहे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो और चाहे देश की मोदी सरकार हो, दोनों सरकारें एक तो वैकेंसी नहीं निकाल रही किसी भी विभाग की। अगर वैकेंसी किसी भी विभाग की थोड़ी बहुत आती भी है तो 99% पेपर का जो है उसमें से लीक हो जा रहे हैं। बेचारे बच्चे पेपर पैसा दे के पेपर का एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं, बस पकड़ते हैं, लटक पटक के किसी तरह एग्जामिनेशन सेंटर से पहुंचते हैं और पता चलता है कि पेपर कैंसिल हो गया है, पेपर लीक हो गया है। तो इस तरह युवाओं के साथ जाति की जा रही है और सारा ठिकरा सरकार, ये डबल इंजन की सरकार, सारा ठिकरा विपक्ष के ऊपर खोल के अपना पल्ला झाड़ने को। आप कहाँ से आए हैं? मैं देवरिया से आया हूँ, उत्तर प्रदेश जी। अच्छा, एक बात बताइए, आपको लगता है कि आज तमाम युवा कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के लोग यहाँ जुटे हैं, लगता है कि इसका दबाव बनेगा और सरकार नीट की परीक्षा फिर से कराएगी? बिल्कुल बनेगी दबाव। अरे, जिस तर्ज पे सरकार हर बार आई है, 2 करोड़ रोजगार का जुमला देती है और कहती है कि 80 लाख के राशन पर लाके छोड़ देती है, दूसरे जब सदन की संसद में जब भी इन पर आरोप आता है, हमेशा विपक्ष को ये लोग लपेटने का काम करते हैं। यही नहीं, कुछ दिन पहले आपने देखा कि तेजस्वी यादव पे इन्होंने आरोप लगाया है सरकार इनकी है। अरे, जबन दिन की सरकार है इनकी, फिर भी आरोप किस पे लगाते हैं? लालू यादव के सुपुत्र तेजस्वी यादव पे। आप ये बताइए, जब आपसे सरकार संभलती हो तब सरकार में रहते क्यों हो? सरकार बेईमानी करके बना लेते हैं, एक नहीं, सरकार तोड़ने के लिए करोड़ों अरब रुपए खर्चा करते हैं। इतनी बड़ी जहाँ से मेडिकल की जो सबसे संवेदनशील सीट है, अब इस संवेदनशील जो लाखों करोड़ों अरबों मतलब लोगों का इलाज करते हैं, ऐसे संवेदनशील मेडिकल की परीक्षा में आप धांधली कराते हैं। इससे पहले आप देख लिए पुलिस की भर्ती, उसमें भी आपने धांधली कराई। इसके अलावा आरओ की भर्ती, अगर माननीय राहुल गांधी जी इस पे संज्ञान, यानी यूथ कांग्रेस का एक एक बंदा अगर संज्ञान नहीं लिया होता और यूथ कांग्रेस का एक एक बंदा हल्ला बोल नहीं बोलता, तो आज बता रहे ना पुलिस की भर्ती निरस्त होती, ना आरओ की भर्ती निरस्त होती। और आज युवा कांग्रेस का आवाज मिलकर यह कहता है कि नीट की परीक्षा इनको निरस्त करनी होगी और होके रहेगी निरस्त, होके रहेगी। आप कहाँ से आए हैं? मैं कुशीनगर से आया हूँ। सब लोग उत्तर प्रदेश से ही आए हैं? हाँ, उत्तर प्रदेश से। अच्छा, एक बात बताइए, आप कितना पढ़े हैं? मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रखा है। इंजीनियरिंग कर रखा है जी। नौकरी बेरोजगारी का आलम है, इस सरकार से उम्मीद भी नहीं है। अभी नीट का पेपर हुआ, बच्चों का भविष्य, 24 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर है, समय उनका मर रहा है, क्योंकि ये समय बहुत कीमती होता है जो बच्चे पढ़ते हैं, सरकार सुन नहीं रही है, क्या रास्ता होगा? सबसे पहले आपको बताऊं कि ये 24 लाख केवल बच्चों का मामला नहीं है जी, ये 24 लाख बच्चों के साथ उनके माता पिता का मामला है जी, उनके घर परिवार का मामला है, उनके बहन का मामला है, उनके भाइयों का मामला है। एक बूढ़ा माँ बाप अपने बेटा को किस उम्मीद से पढ़ाता है? इस उम्मीद से पढ़ाता है कि कल मेरा बेटा अगर कामयाब हो जाएगा तो ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। एक बूढ़ा बाप अपने खेत को गिरवी रख करके अपने बच्चे को अपने से दूर दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ जैसे जगहों पर भेज करके शिक्षा, अच्छी शिक्षा देना चाहता है, उसको सरकारी व्यवस्थाओं में डालना चाहता है। एक बूढ़ी माँ अपने गहने को गिरवी रख करके उस बच्चे को पढ़ाती है, वो बच्चा पेट काट के पढ़ता है, बाहर में रह करके अपनों से दूर रह के पढ़ता है, क्यों, किस लिए? इस सरकारी व्यवस्थाओं में जो सीट उसका है, जो उसका हक है, वो उसको मिलना चाहिए। और उस बूढ़े माँ बाप का जैसे ही वो कामयाब हो जाता है तो बुढ़ापे की दवा का सहारा बनता है, अपने बहन की
शादी की जिम्मेवारी अपने कंधों पर लेकर चलता है, लेकिन ये सरकार उन युवाओं के साथ छल कर रही है, उनके जीवन को ले जाकर के अंधेरे में डाल रही है। आज युवा आत्महत्या करने पर क्यों मजबूर हो गया है? आपको एनटीए बनाने की आवश्यकता क्या थी? आज तक आप सुने थे इतिहास में कभी नीट की परीक्षा लीक हुई हो? जिस डॉक्टर को इस दुनिया में भगवान का दूसरा रूप कहा गया है, वहां पर आप ग्रेस मार्क देकर के 580 पाने वाले बच्चों को 720 नंबर दे रहे हो, किस बुनियाद पर दे रहे हो? क्या आप इंजेक्शन पैरासीटामॉल अगर बुखार हुआ है उसके जगह पर आप कुछ और देना चाहते हो? क्या इस देश, ये केवल सवाल नीट का नहीं है, ये देश की सुरक्षा का मामला है, ये देश के हर उस बीमार आदमी का मामला है कि अगर उसका बेहतरीन इलाज, अगर ये तो हॉस्पिटल से लोगों की भरोसा और उम्मीद विश्वास उठ जाएगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो। मेरा नाम अरशद है और कोई नौजवान फिर दोबारा किसी भी एग्जाम पर भरोसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये लगातार 7 साल में 70 से ज्यादा पेपर लीक हुआ इस नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, उत्तर प्रदेश में भी और देश में भी। तो नरेंद्र मोदी जी को अब सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, और इस एनटीओ को जो आउटसोर्सिंग के मामले में ला के रखा है, पता है क्यों पेपर लीक हो रहा है? उसका केवल एक कारण है, आरएसएस के लोगों को ला करके शैक्षणिक संस्थानों में ये आउटसोर्स के माध्यम से ला के बिठाए हैं, इसीलिए पेपर लीक हो रहा है। सीधा सीधा एक मांग है युवा कांग्रेस का कि आप आरएसएस के लोगों को हटाइए और जो सरकारी व्यवस्थाओं में है और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई की टीम की जाँच बिठाइए इस नीट पे वाले मामले पर, यही एक मांग है। ये आप देख रहे थे, ये असली भारत की बात हो रही थी, जो बच्चे, जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं वो गहना बेचकर पढ़ाते हैं, वो जमीन गिरवी रखकर पढ़ाते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था यही है, वो इसलिए पढ़ाते हैं कि उसका बेटा जब जवान होगा और वो जब बूढ़े होंगे तो उसके जो बुढ़ापे का बोझ होगा वो उसका बेटा आगे लेकर चलेगा और उसकी सेवा करेगा। लेकिन वर्तमान भारत में जो भारत के युवाओं के साथ छल हो रहा है, जो उनके साथ पेपर लीक का मामला हो रहा है, ऐसे भविष्य लगातार देश का कर की तरफ जा रहा है। आप बने रहे महाखबर के साथ, मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।